लद्दाख पूरा तो नहीं हो पाया, काफी चीजें बची हैं लद्दाख में। जैसे मैंने इसे 50 पॉइंट हवा डलवाई है। अब आप सोच रहे होगे कि इतनी हवा क्यों डलवाई। एवरीथिंग रिमाइंड्स मी ऑफ लद्दाख। जब तक पता नहीं चलेगा ना क्या दिक्कत है, जब तक वापस नहीं आऊंगी घर पे। आ रही गई सर्विस सेंटर में, होंडा कब से सर्विस होने लग गई। पंकज इसको पूरा खोल के पानी में डुबा दो। तो यार हेयर कट के 15 दिन बाद बाल अच्छे तो लगने लगे हैं, पर अभी ऐसा मौसम नहीं है कि मैं बालों को खुला छोड़ूं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज का हाईलाइट ये है कि फाइनली मेरी लद्दाख राइड सक्सेसफुल रही, कंप्लीट रही। लद्दाख पूरा तो नहीं हो पाया, काफी चीजें बची हैं लद्दाख में। जैसे कारगिल, तुरतुक, नुब्रा वैली, खारदुंगला, ये सब कुछ बचा है। क्योंकि मैं मनाली से जाके वाया ज़ंस्कार बारालाचला से वापस आ गई मनाली से ही। तो अभी कारगिल की साइड वाली प्लेसेस एक्सप्लोर करना बचा है, वो नेक्स्ट लद्दाख राउंड में होगा। बाकी आप एक बार बाइक की हालत देखो, अपने पंछी की हालत देखो, लद्दाख में क्या हो गई है। ये देख के पता चलता है कि मैंने कितना एडवेंचर करा है इस राइड में ना। बाकी मौसम तो यार ऐसा सही है, मतलब थोड़ी थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। अभी थोड़ी हवा चलनी शुरू हुई थी, दो तीन पत्ते मुझे हिलते दिखे थे, पर अभी वो भी रुक गए। हो जाएगा थोड़ा ठीक, अभी मैं निकलूँगी तो हिल रहे हैं पीछे थोड़े थोड़े पत्ते। बाकी अभी मुझे जाना है बाइक की सर्विस करवाने, थर्ड सर्विस करवाने, क्योंकि इसके किलोमीटर्स हो चुके हैं ऑलमोस्ट 9600 किलोमीटर्स हो चुके हैं और 10,000 पे होती है। बाकी एक बार आप ये टैनिंग देखो, कितनी टैनिंग हो गई है, अलग से एक लाइन दिख रही होगी आपको। मुझे तो टैनिंग हुई थी, मेरे वॉच के पट्टे को भी हो गई। बाकी मैंने इसको धोया है, बट ये पूरी तरीके से साफ़ नहीं हुआ, बट पहले से बहुत बेटर लग रहा है। बाकी लद्दाख फाइनली कम्प्लीटेड, पूरा सर्किट नहीं बचा हुआ। नेक्स्ट टाइम कुछ चीज़ें नेक्स्ट टाइम के लिए भी छोड़ देनी चाहिए, तभी फिर से बुलावा आता है उस जगह से, यू नो। पीछे वाला टायर भी बिल्कुल फ्लैट है और चेन का हाल देखो, चेन भी क्लीन ल्यूब करानी है। तो अभी हवा डलवा लेती हूँ ताकि पहुँचने लायक हो जाइए सर्विस स्टेशन तक। बिल्कुल नहीं चल रही, ऐसे ऐसे लहर रही है। तो यार मैंने इसमें 50 पॉइंट हवा डलवाई है। अब आप सोच रहे होगे कि इतनी हवा क्यों डलवाई, क्योंकि इसमें ना धीरे धीरे करके हवा लीक हो रही है। और मेरी डेस्टिनेशन है अभी अराउंड 30 किलोमीटर्स, तो जब तक मैं सर्विस सेंटर पहुंचूंगी तो तब तक हवा थोड़ी बहुत रह जाएगी, अगर ज़्यादा लीक भी होगी तो। बाकी वीडियो स्टार्ट मैंने कल करी थी, जब मैं घर से निकलने वाली थी तो एकदम से बहुत ज़ोर से बारिश हो गई। तो आज ये नेक्स्ट डे है और सुबह सुबह भी बारिश हुई है, तो हवा थोड़ी ठंडी ठंडी लग रही है, तो अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। लद्दाख से वापस आने के बाद आज पहली बार मैंने 3-4 दिन बाद अपनी बाइक निकाली है घर से। जब भी इस बाइक पे बैठती हूँ, इसको चलाती हूँ, इंजॉय करती हूँ। देखिए हो गया, अच्छा टो कर रहे थे, रस्सी बीच में टूट गई। अंडरपास के नीचे से जब सब जा रहे थे ना, तो एकदम से सब ऐसे रुक गए, सब ने बहुत हार्ड ब्रेक मारा, मुझे लगा एक्सीडेंट वगैरह हो गया। फिर देखा तो जो टो करी हुई थी ना, उसकी रस्सी टूट गई है। क्या रोड है यार ये, लद्दाख की याद दिला रही है ये रोड मुझे। एवरीथिंग रिमाइंड्स मी ऑफ लद्दाख। यार इस साइड से ले लिया जाए, एक तो वैसे ही हवा नहीं है टायर में, कांट टेक द रिस्क। एक्सप्रेस वे से उतरते ही ना ऐसा जाम मिलता है, पूछो ही मत। बैक ऑन द राइट ट्रैक, एक्चुअली लेफ्ट ट्रैक। और बारिश में तो आप लोगों को पता ही है कि गुड़गांव में कितना पानी भर जाता है। और आप लोगों के मन में ये भी डाउट आ रहा होगा कि मैं दिल्ली से गुड़गांव क्यों आई हूँ। सर्विस सेंटर तो दिल्ली में भी हैं, आरी के हैं, बट मेरे को एक बार पंकज के पास भी जाना है, क्योंकि मुझे उसको टायर दिखाना है। कहीं से तो हवा लीक हो रही है उस टायर में, या तो एक और पंचर है, या पता नहीं क्या सीन है। पूरा खुलवा दूंगी, जब तक पता नहीं चलेगा ना क्या दिक्कत है, जब तक वापस नहीं आऊँगी घर पे। आज मिल गई गली मेरे को। लास्ट टाइम आई थी तो गली ढूंढने में कंफ्यूज हो गई थी। हिम्मी हिम्मी खड़ी हुई है, किसी की हिम्मी दो हानले ब्लैक के बीच में, तीसरी हानले ब्लैक अपना पंछी। आ रही गई सर्विस सेंटर में, होंडा कब से सर्विस होने लग गई। हो जाएगी, छोड़ के चले जाओ, हो जाएगी। दो एग्जॉस्ट लगेंगे फिर उसमें। BM की तो हो गई, इसकी नहीं हुई है। आपको मैसेज आएगा टैप करा के फिर आगे बढ़ा। अरे 200 की होने वाले, नई बाइक लेनी है तो क्रेडिट होना चाहिए थोड़ा अकाउंट में। ये तो बात है यार, लो राइडिंग सीट भी आ गई है अपनी, पर मैंने अभी ना दोनों ट्राई करके देखी,
तो मेरे उतने ही पैर टिक रहे हैं जितने इसमें टिक रहे हैं, इसमें भी उतने ही टिक रहे हैं, बाकी थोड़ा सा बेटर इसमें कुशनिंग है। तो अभी डिसाइड मुझे करना है कि मुझे क्या करना है। तो यार राइडिंग में ना बहुत सामान अपना इधर उधर हो जाता है, इतने बंदे जाते हैं, किसी का सामान किसी के पास होता है, किसी का सामान किसी के पास होता है, तो वापस घर आके ये सब करना पड़ता है। एक्सचेंज सबका सामान सबके पास जाता है, मेरा मेरे पास आ गया, आपका आपके पास चला गया। और आज बाइक की डीप सर्विसिंग होने वाली है, अंदर अंदर तक जो धूल खिंची हुई है सारी साफ होगी आज। दो कूड़े मैगनानी चार जी मैगनानी कितने रूम है शीशे इंच चक्कियां टाइम लगू मिटने नु सानू थले सिटने नु इक्की बारी जोर ला ले छत्तियां मैं नी को नार दा मैं दस बारी बार दा मैं ओदे तो सौ सौ दियां गत्तियां टाइम लगू मिटने नु सानू थले सिटने नु इक्की बारी जोर ला ले छत्ती पर कट तारे कने हुण टुटे ना करीज औड़ा रुखिया सवारी सानू आउंदी नी तमीज आ लै तैनू दित्ती सांभलाणी बीबी आली चुन्नी। तो यार फाइनली सर्विस हो गई है, पर सर्विस हुई है 6 बजे, जब आप पहले आए थे तो 1 बजा था, लंच टाइम था, अभी छुट्टी का टाइम है। अभी बस हो गई, वो भी वॉश नहीं हो पाई। हाँ वॉश अभी भी नहीं हो पाई, वॉश शायद मैं डीएम मोड पे ही करवाऊंगी, पर ये देखो सरकारी नौकरी का बेनिफिट जो है वो है। तो यार सर्विस में बहुत टाइम लगा और मेरे को बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा, तो मैं इरिटेट हो गई थी, पर एक बात की खुशी है और वो ये कि अपना पंछी ना पहली ऐसी बाइक थी इस वाले सर्विस सेंटर पे जिसके 10,000 किलोमीटर कंप्लीट हो गए, तो थर्ड सर्विस थी और पहली बाइक जिसके 10,000 किलोमीटर कंप्लीट हुए, बहुत टाइम लगा उसमें, बहुत सारी चीज़ें हुई, बताते हैं चलते चलते। अभी तक स्मूथली चल रही है ना बाइक, वरना सर्विस से पहले ना मतलब जैसे लद्दाख गई तो लद्दाख बीइंग लद्दाख मेनली ज़ंस्कार इतना धूल मिट्टी और ऑफ रोड, तो इसके थ्रोटल बॉडी में बहुत ज़्यादा डस्ट घुस गया था, तो इस वजह से थोड़ा चोक हो रहा था इसका इंजन, बट अभी बहुत अच्छा स्मूथ परफॉर्म कर रहा है, तो वो सब क्लीन हो गया। बाकी 10,000 जब किलोमीटर हो जाते हैं आपकी हिमालयन के, तो कुछ शिम्स और क्रैंक्स करके कुछ होता है, उसमें थोड़ी कैलकुलेशन वगैरह करनी पड़ती है, इसलिए मेरे को टाइम लग गया। मैं 12 बजे आई थी और मैं 6 बजे फ्री हुई हूँ, तो 6 घंटे लग गए। और अपना पंछी पहली हिमालयन भी थी जिसके 10,000 हुए हैं, तो किसी चीज़ को फर्स्ट टाइम करने में थोड़ा टाइम भी लगता है ना, दैट्स वाई। बाकी अभी डीएम मोड्स पे चलती हूँ फटाफट से, भूख भी बहुत लगी है यार, बाइक को वहाँ पे ड्रॉप करके जब तक पंकज फिगर आउट करता है कि इसके टायर में क्या दिक्कत है, मैं थोड़ा कुछ खा लूँगी, उसके बाद फिर वॉश भी करानी है ये। और आज ही सारा काम मैं इसलिए निपटा रही हूँ क्योंकि यार बारिश का ना कोई भरोसा ही नहीं है कि कब बारिश हो जाए या जो भी है, आज थोड़ा आसमान खुला है, बादल भी काले नहीं है, तो आज ही निपटाना बेहतर है ये सारे काम, क्योंकि दिल्ली से गुड़गांव आना बारिश में आफत है, गुड़गांव का ड्रेनेज सिस्टम आप लोगों को पता ही है। तो यार डीएम मोड्स में पहुंच गई हूँ, अभी टायर में देखते हैं क्या दिक्कत है। पंकज इसको पूरा खोल के पानी में डुबा दो, तब पता चलेगा। अभी इसको नहलाऊंगा अभी ना। एक बड़ा सा टब ले आओ, खोलो और उसमें डुबा दो, डुबा दो। पंकज दा सर्जन ने फॉल्ट हमारा ढूंढ दिया, इतनी सी हवा देखो धीरे धीरे वो बबल बन रहा है, तो बहुत माइन्यूट हवा लीक हो रही है और वॉल्व से हो रही है, इतनी माइन्यूट है कि सुबह 50 पॉइंट डलवाई थी, अभी भी 50 पॉइंट ही है, रात भर खड़ी रहती तो टायर सुबह फ्लैट होता। बट अच्छी बात ये कि मिल गया है। चलो अब इसको ठीक कर दो और बाइक को थोड़ा नहला धुला दो। तो यार बाइक भी अपनी धुल गई है, बिल्कुल चकाचक हो गई है, और लद्दाख में जितनी धूल खाई थी ना अपनी बाइक ने, ऊपर से भी और इंजन के अंदर भी सारी आज क्लीन हो गई है। ये वाला पार्ट भी अच्छा है और वो वाला पार्ट भी अच्छा होता है, जब आपकी बाइक पूरा धूल से लथपथ होती है और स्पेशली लद्दाख वाली धूल, तो देखने में बहुत अच्छा लगता है, और वो जो फीलिंग आती है ना प्राउड वाली, वो भी बहुत अच्छी होती है। बाकी अभी टाइम ना 9 बजने वाले हैं, फटाफट से निकलती हूँ क्योंकि बहुत थकान हो रखी है। ओए होए क्या मज़ा आ रहा है इसको चलाने में, अभी इतनी स्मूथ हो गई है बिल्कुल, पूछो ही मत। बाकी अभी बचा कुचा मैंने इसका ब्रेक पैड्स भी थोड़ा क्लीन करवा लिया, 10,000 बाइक चल गई है तो अभी ये लगा लो कि ब्रेक पैड और टायर भी चेंज करवाने का नंबर आने वाला है बहुत जल्दी, मैक्सिमम 5,000 और चलेगा, बाकी देखते हैं टायर्स और कितना बेयर कर लेते हैं, ब्रेक पैड्स तो जल्दी चेंज करवाने पड़ेंगे। और अभी ना 9 बज गए हैं और इतना लेट तक मैंने काम इसलिए करवा लिया, मेरे को ये था कि सारा काम निपटा लेती हूँ क्योंकि बारिश का कुछ भरोसा नहीं है, आज मेरे को बारिश नहीं मिली तो मैंने रात तक पूरा जम के काम करवाया है, जितना काम था सारा काम करवा लिया है, क्योंकि यार बाइक लद्दाख से आई थी और 3-4 दिन से बाइक खड़ी ही थी, तो इवन चेन में भी थोड़ा जंग लग गया था, तो हर एक चीज़ को ल्यूब्रिकेशन और धुलाई सफाई सब चीज़ की ज़रूरत थी, तो वो चीज़ आज हो गई है, बाकी बस मुझे आज जाम ना मिले। वाह क्या पावर है,
इससे पहले मैं एक 350 सीसी ऑन करती थी, उसके बाद मैं ये 450 सीसी ऑन करती हूँ, तो मेरे लिए 40 bhp एनफ पावर है अभी के लिए। तो बाकी अपना टाइम भी आएगा जब अपन बड़ी बड़ी सीसीज पे जाएगा। बाकी पिछले वाले टायर में हवा जहाँ से लीक हो रही थी, सबसे बड़ी ये बात है कि वो हमें मिल गया, प्रॉब्लम मिल गई, तो सोल्यूशन भी ये था कि वॉल्व चेंज हो गई। अगर प्रॉब्लम मिल ही नहीं पाती तो सोल्यूशन भी नहीं मिल पाता। बस मुझे ये था कि जो मैंने ट्यूबलेस वाला सोल्यूशन उस पर लगाया है, तो जो पंचर हुआ था ना उसमें इतनी बड़ी कील थी, बहुत पतली कील थी लेकिन लंबी थी, तो मेरा एक ये डाउट था कि कहीं उस लंबी कील ने अंदर सोल्यूशन को थोड़ा बहुत पंक्चर ना कर दिया हो, क्योंकि चेक तो मैंने भी करा था वॉल्व एंड सब, लद्दाख में भी चेक करवाया था, बट वहाँ पता नहीं चला, क्योंकि इतना माइनर लीकेज है ना, वो इतना स्लोली स्लोली लीक हो रहा है कि आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा उसको, पेशेंस के साथ, तब जाके पता चला कि वॉल्व से लीक हो रही है हवा। वरना मुझे ये था कि कहीं दूसरा पंचर ना हो गया हो, या फिर ट्यूबलेस वाला सोल्यूशन ना लीक कर रहा हो, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आ रही थी, बट अब सारी चीज़ें सही है, ऑल गुड, बस वॉल्व से थोड़ा लीक हो रहा था, वॉल्व चेंज हो गया। बाकी मौसम हो रखा है बहुत ही ज़्यादा अच्छा, ऐसे मौसम में मन करता है कि बाहर निकलो, या फिर बाहर आराम से निकल के बैठो अपने बैकयार्ड में, किसी गार्डन में जाके, छत पे जाके, और अंदर जाते हैं घर में घुसते हैं तो बहुत ह्यूमिडिटी फील होती है, पर खुले में आके बहुत अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी सुकून की और खुशी की बात यह है कि एम्बियंस के सामने रोड खाली पड़ा है, बिल्कुल भी जाम नहीं है। दिस इज़ द रिलीफ ऑफ साई एक्चुअली। बस अब तो फटाफट घर पहुँच ही जाऊँ। घर पहुँचते पहुँचते 10 बज गए, ऑलमोस्ट 9:51 हो गए हैं। बाकी आज की दिन की सबसे बड़ी हाईलाइट ये थी कि आज बारिश नहीं हुई है, मतलब मैं अपना रेन कवर वगैरह सब रख के लेके गई थी कि इन केस अगर बारिश होती है तो मैं वो पहन लूंगी, पर बारिश नहीं हुई थैंकफुली, और सारा काम भी हो गया। बाकी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने लद्दाख राइड में टोटल कितने किलोमीटर्स करे। हम जाते हैं ट्रिप 2 पे, ये है अपनी ट्रिप 2। टोटल हमारे थे ऑलमोस्ट 2600 किलोमीटर, और एवरेज बाइक ने दी 32.9 की एवरेज स्पीड, अपनी 41 रही और मैक्सिमम स्पीड रही 154। बाकी इसका जो बाइक में एवरेज शो करता है, माइलेज शो करता है, वो पता नहीं कितना कैलिब्रेटेड है उसका। मैं सोच रही हूँ कि एक टैंक टू टैंक वाला टेस्ट भी कर लूँ, ताकि जो उसमें दिखाता है क्या वही सच है वो भी पता चल जाए। उसके अलावा जो लास्ट चीज़ है वो ये है कि मेरे को अभी करना है जिम ज्वाइन, क्योंकि यार मैं जब से लद्दाख से आई हूँ ना, मेरे को इतनी भूख लग रही है, इतनी भूख लग रही है कि मैं खाए जा रही हूँ। जैसे मैं लद्दाख में थी तो वहाँ पे हाई ऑल्टीट्यूड के कारण बोलने से बहुत सांस चढ़ रही थी, तो अभी मैं ऐसे फटाक से बोल रही हूँ ना सब कुछ, मैं मतलब रुक ही नहीं पा रही हूँ, बोले जा रही हूँ, इतना ईजी लग रहा है मुझे बोलना। वैसे मैं बहुत कम बोलती हूँ इन रियल लाइफ, इफ यू मीट मी मैं इतना पक नहीं करती हूँ। जस्ट किडिंग, अभी व्लॉग में तो बोलना पड़ता है ना, वरना ASMR तो बना नहीं सकती 10-12 मिनट का। हाँ, तो मुझे जिम ज्वाइन करना है, अपनी फिटनेस पे थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि कॉलेज टाइम में ना मेरी फिटनेस जो थी, मैं उस चीज को मिस करती हूँ अभी, क्योंकि कॉलेज में आई यूज टू प्ले एवरी डे, सारे स्पोर्ट्स खेलना, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, सब कुछ खेलती थी डेली, तो वो फिटनेस लेवल ना मेंटेन रहता था। मैं उस वाले फिटनेस लेवल को मिस कर रही हूँ अभी, नीड फील होती है, तो मैंने सोचा है कि मैं कल से जिम जाऊंगी, और एक महीना बिल्कुल रेगुलर रहना है। एक महीना इसलिए बोल रही हूँ कि पहले छोटा टारगेट देती हूँ को, उसके बाद फिर बड़ा टारगेट दूंगी। तो अगर आपको इंस्टा पे कुछ जिम की स्टोरीज ना दिखे ना बहुत टाइम तक, तो आप मेरे को DM करके मेरे को पुश करना कि साथी जिम जाओ, वरना पिटाई करेंगे। तो यार, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आप लोगों को लद्दाख सीरीज पसंद आई होगी, और आई होप आप लोग मेरी वीडियोज इंजॉय करते होंगे, और आने वाले टाइम में ऐसी बहुत सारी क्रेजी राइड्स होंगी। बाकी तब तक के लिए कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। बाय बाय।